अरे अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र साहब। वालेकुम सलाम अंकल। बैठी बैठी बैठी। अच्छा और भाई क्या चल रहा है? कहाँ घूमो, नगर ही नहीं आते हो भाई, कहाँ हो आप? अरे अंकल हम कहाँ छुपे बैठे हुए हैं, हमें तो छुपाया जा रहा है। इतने बम धमाके होते हैं कराची में, टारगेट किलिंग, निकलने का बाहर दिल ही नहीं चाहता। पता नहीं पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है और हम क्या गलत। हुक्मरान आप देखें, हुक्मरान हर वक्त नदीदापन लालचीपन दिखाते रहते हैं, हमारे मुल्क के पैसे खाते हैं। हुक्मरान ही सही नहीं है यहाँ के। मैं एजुकेशन कम्प्लीट हूँ, मैं तो बाहर जाकर सेटल नहीं हूँ। अरे देखो ये बात नहीं है, देखो पाकिस्तान को हम ही लोगों ने खराब किया है। हम लोग खुद बोलते हैं कि, लेकिन ये बहुत गलत गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम इस मुल्क के वफादार हैं और हमें ही इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारना है, और आप जैसे नौजवान ही इस मुल्क के सरमाया हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे बुजुर्गों ने इस कौम के, इस मुल्क के हसूल के लिए इतनी कुर्बानियाँ और हमारे जियालों और हमारे फौजों ने इतनी दास्तान रकम की हैं कि जिसका तुम अंदाजा नहीं ला सकते बरखुरदार। और तुम कहते हो कि तुम हमारे हुक्मरान गलत हैं। बताओ तो हमारे हुक्मरानों को चुना किसने है? क्या तुमने वोट नहीं दिया है? तुम ही ने हुक्मरानों को चुना है ना, और तुम ही हुक्मरानों को इल्जाम लगाते हो। हुक्मरान नहीं, हुक्मरान भी गलत है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हम भी गलत हैं। और यही सोच कि हम सही हैं हमें पस्ती की तरफ ले जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क और इस मुल्क और इस मदर लैंड के लिए हमें हर वक्त जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ अंकल, मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं। अंकल आदमी में बहुत अच्छी बात बताइए, मैं इंशाल्लाह इसके लिए नहीं कोशिश करूँगा। हाँ शाबाश, यही जज्बा और यही हौसला हमें तरक्की की तरफ ले जा सकता है। शाबाश मेरे बेटे। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से लाई। मेरा ख्याल है कि आप हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल कर चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं किया तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान हमें पैसा दे, पाकिस्तान हमें सिक्योरिटी दे, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमने पाकिस्तान को कर दिया है? हम पाकिस्तान से क्यों मोबाइल देते भाई, क्यों मोबाइल? फिरदौस की लोन दो, फिरदौस की लोन दो, ये क्या हो रहा है? 14 अगस्त आता है, लैपटॉप उठाया, हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, 50 लाख आ गए, ये क्या है? हम सिर्फ 14 अगस्त में हमें पाकिस्तान से करना चाहिए मोहब्बत? ये गलत है। हमें पाकिस्तान से सिर्फ 14 अगस्त नहीं, हमें पूरे साल मोहब्बत होनी चाहिए। आजकल अगर आप किसी नौजवान से पूछे भाई 6 सितंबर को क्या हुआ है, बोलेगा पता नहीं, बस मैं तो पोस्ट डालता हूँ फेसबुक को, पता नहीं होता क्या हुआ क्या था सीन। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमारे फौजियों ने इतनी खासा नकम की है, इसका ना मैं और ना आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस वतन, इस मिट्टी की खातिर अपनी जान का नजराना भी पेश करने के लिए तैयार हैं। और हाँ एक चीज़ तो भूलिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हाँ अगर अभी वीडियो समय में नहीं आई ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, बस तुम पोस्ट ही कर देना।